हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकेतांक मुखा और द एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में बात करने वाले हम जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को बनाना सीखेंगे कि हम तीन नंबर को कैसे आपस में कंपेयर कर सकते हैं कि उनमें से नंबर कौन सा बड़ा है। तो हम इस प्रोग्राम को दो तरीके से लिखना सीखेंगे, एक तो हम इफ एल्स कंडीशन के थ्रू और दूसरा जो तरीका है वो सिंगल लाइन कोड है, वो भी बताऊंगा। तो कोडो करते हैं शुरू। तो बेसिकली सबसे पहले हम जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रोग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फंक्शन बनाएंगे। तो फंक्शन का मैं कोई भी नाम रख देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर चेक माई नम, इसके राउंड ब्रेसिस देन कर्ली ब्रेसिस। अब मैं यहाँ पर तीन वेरिएबल बनाऊंगा क्योंकि मुझे तीनों के तीनों वैल्यू बेसिकली किससे लेनी है, यूजर से लेनी है। और यूजर से वैल्यू लेने के लिए हम यूज करते हैं बेसिकली प्रॉम्प्ट फंक्शन। तो मैंने प्रॉम्प्ट फंक्शन यहाँ पर ऐड कर दिया है और अब मैं इस लाइन को यहां से कॉपी करके वापिस से पेस्ट करूंगा और वेरिएबल का नाम मैं चेंज कर दूंगा इस तरीके से, ठीक है। अब ये तीनों के तीनों हमारा लाइन ऑफ स्टेटमेंट, जब हमारा फंक्शन रन होगा तो तीनों स्टेटमेंट वन बाय वन हमारी रन करेगी। तीनों वैल्यू यूजर से हम लेंगे, तीनों को हमने अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करा दिया। अब हमें करना क्या है, अब हमें इन वेरिएबल्स में रखी हुई वैल्यू को आपस में कंपेयर करना है विद द हेल्प ऑफ इफ कंडीशन। तो सबसे पहले मैं नम वन को कंपेयर कर रहा हूँ, नम वन अगर बड़ा है या बराबर है किसके, नम टू के। तो मैंने एक और कंडीशन लगाई, यहाँ पर एंड ऑपरेटर लगाया, मतलब कि दोनों कंडीशन में ट्रू होनी चाहिए। एम मैंने फिर से वन को कंपेयर किया या बराबर है, यहाँ से बड़ा है किससे, एम नम थ्री से। तो एंड सिंबल का मतलब क्या होता है कि ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ही हमारा ये वाला इफ का ब्लॉक चलेगा। अगर ये हो तो क्या दो, तो मैं करूंगा यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट नम वन को प्रिंट कर दो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एल्स इफ लगाऊंगा क्योंकि मल्टीपल कंडीशन है। अब मैं नम टू को कंपेयर कराऊंगा नम वन से, ठीक है। और फिर से मैं यहां पर क्या दूंगा, एंड ऑपरेटर दूंगा और फिर से मैं नम टू को कंपेयर कराऊंगा किससे, नम थ्री से। अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू हो जाती है तो फिर से मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दो, किसको लिख दो यहां पर कि नम टू बड़ा है, ठीक है। अगर ये भी मेरी कंडीशन फोल्स हो जाती है तो लास्ट में क्या करूंगा, मैं एल्स ब्लॉक के अंदर अपने नम थ्री को मैं प्रिंट कर दूंगा कि नम थ्री हमारा बड़ा है। तो डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ पे मैंने कर दिया राइट नम थ्री, ठीक है। अब मैंने किया इसको यहाँ से सेमीकोलन सेव। अब मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा पहले फंक्शन का नाम, इसके राउंड ब्रैकेट देन सेमीकोलन सेव करा, ये फंक्शन हमारा बन के रेडी है, फंक्शन कॉल कर दिया। अब चलते हैं अपने ब्राउजर के अंदर, करता हूँ रिफ्रेश। तो पहली वैल्यू में डालता हूँ 52, फिर डालता हूँ 85, फिर डालता हूँ 96। तो क्या आंसर आएगा, 96। वापस रिफ्रेश करते हैं, -1 -52, ठीक है। और यहाँ पे -8, तो क्या नंबर आएगा हमारा सबसे बड़ा, क्या है माइनस, बेसिकली इसने क्या दिखा, 8 दिखाया। तो वापिस रिफ्रेश करता हूँ कि माइनस हमारा 85 बड़ा है या माइनस हमारा 58 बड़ा है या -1 बड़ा है, तो यहाँ पर क्या -85। तो बेसिकली क्या कर रहा है, यहाँ पर 85 को बड़ा दिखा रहा है जबकि बड़ा हमारा -1 के अंदर है। तो मैं हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, पार्स कराएंगे, पार्स फ्लोट के अंदर एक डाल देता हूँ मैं इनको। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, पार्स फ्लोट के अंदर और इसको मैं डाल देता हूँ इस पूरे यहाँ से इस लाइन ऑफ कोड को, ठीक है, ताकि जो नंबर हमारा स्ट्रिंग के अंदर आ रहा है वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ से करते हैं कॉपी, कॉपी किया वापिस से फिर से पेस्ट, वापिस से फिर से हमारा पेस्ट, सेव करता हूँ। अब करता हूँ रिफ्रेश। अब देखो यहाँ पे आई थिंक मेरे को लग रहा है लाइन ऑफ में कोड में कुछ पंगा आ चुका है, तो मैं करता हूँ इसको इंस्पेक्ट और करते हैं कंसोल में। तो ये कह रहा है पार्स एंड इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे मैंने क्लिक किया इसको और ये कह रहा है कि पार्स फ्लोट, पार्स फ्लोट। अच्छा इसमें दिक्कत दिखा रहा है, तो लेट मी चेक क्या दिक्कत है। तो पार्स फ्लोट, अच्छा एफ इसका अगर यहाँ पे कैपिटल आएगा मेरे ख्याल से, एफ कर दिया बड़ा, यहाँ से सेव करता हूँ रिफ्रेश। देखो चल गया हमारा फंक्शन बिल्कुल ठीक है। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ -85 -96 -1, तो नंबर क्या आएगा हमारा -1। तो अब आप यहाँ पे समझ चुके हो कि जो भी वैल्यू हमारी इस प्रॉम्प्ट के अंदर आ रही है वो एक स्ट्रिंग के रूप में आ रही है, ठीक है। हमें बेसिकली करना किसको, हमने न्यूमेरिक नंबर में कन्वर्ट कर लिया इसको, फ्लोट में इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो बेसिकली अभी क्या हो रहा था, एक तो हमने क्या किया कि हमने इसको पार्स फ्लोट नहीं किया, मतलब कन्वर्ट नहीं किया। प्रॉम्प्ट फंक्शन के थ्रू जो भी हम यूजर से वैल्यू ले रहे हैं वो हमारा ऐसा स्ट्रिंग में आ रहा है, तो वो तो उसने कंपेयर कर दिया, बराबर कर दिया। बट जब माइनस में नेगेटिव वैल्यू डाल रहे हैं तब हमें पता चला कि ये प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ है। तो क्योंकि जो वैल्यू आ रही है हम यूजर से ले रहे हैं वो इंटीजर, वो स्ट्रिंग में ले रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको कन्वर्ट करा दिया कि जो स्ट्रिंग मारा वो कन्वर्ट कर दो फ्लोट के अंदर, हमने कन्वर्ट करा दिया। और पार्स फ्लोट हमने यहाँ पर एक मेथड चला दिया, ठीक है। और एफ यहाँ पर कैपिटल रखना, वो मैंने एफ छोटा कर दिया था। तो ये है। अब देखो, अब मैं आपको जो दूसरा तरीका जो बताने वाला था कि जो एक लाइन में हमारा काम हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, उसमें मैं काम करता हूँ
यहाँ पर इस फंक्शन को मैं कॉल नहीं करूंगा, एक नया फंक्शन बना लेता हूँ ताकि ये भी फंक्शन रहे वो भी रहे। इसे करता हूँ कॉपी और नीचे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और ये सारे लाइन मैं यहाँ से हटा दूंगा, इनकी मुझे जरूरत ही नहीं है। इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ, ये वाला नाम यहाँ पे मैंने चाहे चेक माई नम वन डाल दिया, ठीक है। अब सिंपल, सबसे सिंपल जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक काम करो, एक वेरिएबल बनाओ रिजल्ट नाम का, कोई भी नाम रखो, इक्वल लगाओ, और हम किसका यूज करेंगे, मैथ ऑब्जेक्ट, जावास्क्रिप्ट के अंदर मैथ ऑब्जेक्ट के फंक्शन यूज करो, मैथ डॉट। अब मैथ डॉट मैंने मैक्स लगा दिया, अब मैं क्या करूंगा इसके, इसको पास कर दूंगा मैक्स फंक्शन में, क्या तीनों वैल्यू, तो नम वन, नम टू और नम थ्री, जैसे हमारे एक्सेल के अंदर होता है, ठीक है। जो भी रिजल्ट आया, अब मैं उसको क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट करके डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे रिजल्ट को मैं पेश करा दूंगा, ठीक है। इस तरीके से सेव किया, अब मैं मुझे इस फंक्शन को भी मुझे क्या करना, रन करना पड़ेगा क्योंकि मैंने फंक्शन का नाम चेंज कर दिया। यहाँ से इसको मैं करता हूँ कॉल, सेव करता हूँ, अब करता हूँ रिफ्रेश, देखो फंक्शन मेरा चल गया। अब मैं डालता हूँ 52, 58 और 112, तो यहाँ पे क्या आ गया। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पर इसने रिजल्ट नहीं दिया है, लेट मी चेक, यहाँ पर आई थिंक वेरिएबल का नाम में कोई पंगा ना हो। अच्छा यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि मैंने सेम वेरिएबल के नाम यहाँ पर लिख दिए हैं, तो मैं एक काम करता हूँ इसको यहाँ से अभी के लिए ना मैं इसे तो कमेंट भी कर सकता हूँ, मैं इसको ठीक कर देता हूँ यहाँ से, मैं तो यहाँ पर नेक्स्ट में आगे पेश कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं करता हूँ सेव, अब मैं वापिस करता हूँ रिफ्रेश, अब करता हूँ देखो 52, 58, 112, तो यहाँ पर क्या आंसर आ गया हमारा 112, ठीक है। अब मैं देखो नेगेटिव में डालता हूँ, जैसे -96, -89 और -2, तो बड़ा कौन सा है, -2, देखो -2 आ गया। अगर मैं पार्स फ्लोट नहीं करूंगा तो वो बेसिकली जो स्ट्रिंग में वैल्यू आएगी वो 85 को बताएगा बड़ा, जैसे हमारा अभी प्रोग्राम में बता रहा था। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपने देखा, अगर जब भी आपसे कोई पूछे या आप बिगिनर्स हो या आप पढ़ाई कर रहे हो, जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो बेसिकली, अगर कोई बोले कि आपको भाई तीन नंबर को कंपेयर करने वाला प्रोग्राम बनाओ, तो आप इफ एल्स पर भी जा सकते हो, और आप बेसिकली यहाँ पर एक सिंगल लाइन ऑफ कोड पर भी जा सकते हो। जावास्क्रिप्ट के अंदर तो देखो मैथ ऑब्जेक्ट है, उसका मैक्स फंक्शन हमने यूज किया, इसने एक सिंगल लाइन में बता दिया कि इसमें से बड़ा कौन सा है, ठीक है। और बस आपको ध्यान रखना है, जावास्क्रिप्ट जब भी आप नंबर कंपेयर कर रहे हो उसको पार्स फ्लोट या पार्स जो भी आपको कन्वर्ट इंटीजर में कन्वर्ट करके रखो, जैसे मैंने फ्लोट में रखा हुआ है, तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और इसमें आपने सीखा किस तरीके से हम नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं विद द इफ एल कंडीशन और विद मैथ ऑब्जेक्ट के मैक्स फंक्शन के थ्रू। तो आई होप लेक्चर अच्छा लगा, तो लाइक करो, कमेंट करो, कोई भी क्वेरी है तो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे में एक नया लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।